तो चलो भेड़िया को लेकर और थोड़ा बात कर लेते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो इसको लेकर कोई ऑफर मत हो जाना। बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि भेड़िया एक सीरीज का पार्ट है जिसमें स्त्री और रूही भी शामिल है, और आगे भी और मूवी आने जा रहा है इस सीरीज में। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से सीरीज के बारे में सोचा ही नहीं था। ये लोग मूवी जैसे जैसे बना रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तब जाके इन लोगों ने सोचा कि चलो इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही इन लोगों का कोई सीरीज का प्लान होता तो रूही में दोबारा ये लोग राजकुमार राव को कास्ट नहीं करते, और साथ में स्त्री से ही ये लोग एक मिड क्रेडिट सीन रख देते जिससे हमें पता चले कि सीरीज में आगे क्या क्या होने जा रहा है। और हम लोगों को ऐसा कुछ मिड क्रेडिट सीन वगैरह कुछ नहीं मिला जिससे कि हमें पता लगे कि ये एक सीरीज होने जा रहा है। हाँ, पर इस सीरीज को अब भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर रूही को इस सीरीज से निकाल दिया जाए और आने वाले सीरीज में अगर ये लोग डिटेलिंग में काम करे, और भेड़िया मूवी को लेके अगर ये लोग डिटेलिंग में काम करे, और साथ में ही हर एक मूवी में अगर ये लोग एक मिड क्रेडिट सीन दिखा दे जिससे कि हमें पता चले कि आगे क्या होने जा रहा है क्या नहीं, तो हाँ डेफिनेटली ये एक अच्छा सीरीज हो सकता है। और भेड़िया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर ये लोग कितना दिखा पाते हैं वो आगे जाके पता चलेगा जैसे जैसे मूवी रिलीज होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था मेरा जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। अभी आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके कहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।